Hello students, welcome back to Aran's classes. Today we will discuss a letter to the editor of a national newspaper expressing your concern over the overuse of mobile phones by youngsters. कि जो youngsters हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, वो जो मोबाइल फ़ोन है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, तो उनके प्रति जो है एक चिंता व्यक्त करनी है आपने एक पत्र के माध्यम से. यू आर स्नेहा, आपका नाम स्नेहा है और आप रहती हैं 135 मॉडल टाउन बठिंडा में. ठीक है, तो जब भी हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है 135 मॉडल टाउन बठिंडा, और फिर उसके बाद लिखेंगे आप डेट. ठीक है, लेटर हमने लिखना है एडिटर को, तो हमने लेटर लिखा है द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन सर, सब्जेक्ट लिखेंगे किस चीज़ के लिए हमने ये पत्र लिखना है, ओवरयूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बाय यंगस्टर्स, की जो युवा हैं वो मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो लेट मी एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बाय यंगस्टर्स थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि आपके जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से मुझे अपने जो व्यूज़ हैं किसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग द ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स बाय द यंगस्टर्स. ठीक है, तो वो व्यक्त करने का एक जो है वो मौका दिया जाए, ताकि मैं सबको अपनी बात जो है वो कह पाऊँ. इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट मोबाइल फोन हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर रूटीन लाइफ, की जो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मोबाइल फोन है वो हमारे ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, और आपातकालीन समय में भी वो एक अहम भूमिका निभाते हैं. एंड दे आर क्वाइट वर्सेटाइल टुडे, और बहुमुखी तौर पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. दे कैन बी यूज फॉर चैटिंग, मैसेजिंग, रिक्रिएशन, गेनिंग नॉलेज एट्सेट्रा. तो इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, बातचीत करने के लिए, संदेश भेजने के लिए, मनोरंजन के लिए, या फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये कहा भी गया है कि किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो बहुत बुरी होती है. टू मच यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी. जब फ़ोन जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे तीन चीज़ों की बर्बादी होती है, क्या, समय, पैसा और ऊर्जा. इट्स ओवर यूज कॉजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जब आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आती हैं. समटाइम्स यूजिंग फोन ड्यूरिंग ड्राइविंग अ व्हीकल कॉजेज सीरियस एक्सीडेंट, और कभी कभी जब आप कुछ ड्राइव कर रहे होते हैं और उस वक्त आप फ़ोन अटेंड करते हैं तो आपका ध्यान बट जाता है और बहुत बार बहुत बुरे एक्सीडेंट जो हैं वो हो जाते हैं. सो द यंगस्टर्स शुड यूज़ मोबाइल ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, और जब इसकी ज़रूरत है तभी युवाओं को इसका इस्तेमाल करना चाहिए. पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड परसुएड देम नॉट टू वेस्ट देयर टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन्स, और जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, जो अध्यापक हैं, उनको भी बच्चों को, ये युवाओं को ये बोलना चाहिए कि वो फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें. नीचे आप लिख देंगे योर्स ट्रूली स्नेहा, राइट. तो ये था एक छोटा सा लेटर जो कि आपने न्यूज़पेपर एडिटर को लिखा रिगार्डिंग द ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन बाय द यंगस्टर्स. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.